क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 2017 में 4 मार्क्स का आया हुआ है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्या कह रहा है ध्यान से समझिए। टू डिफरेंट डाइस आर थ्रोन टुगेदर, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑब्टेन हैव इवन सम एंड इवन प्रोडक्ट। दो डाइस को फेंकी तो हमें पता है भाई टोटल केस कितने बनते हैं 36, तो मैंने 36 लिख दिया। अब देखो ध्यान से, हमारे पास टोटल केस कितने हैं, टोटल केस तो है हमारे पास जी 36। सर पता है दो डाइस फेंकते हैं। अब फेवरेबल केस देखो, ध्यान से समझना, फेवरेबल केस कितने होंगे, इवन सम चाहिए, ठीक है, ध्यान से समझना, बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये कि सम इवन कहां रहा है, कि मतलब दोनों डाइस को फेंका तो जो नंबरों पे आया तो उनका सम इवन कहां आया। देखो ध्यान से समझना, इवन सम तो इवन सम यहां आएगा नहीं आएगा, यहां पे आएगा यहां पे आएगा, मतलब दोनों पे ओड ओड हो या दोनों पे इवन इवन हो। तो एक केस ये चला, एक केस ये चला और एक केस ये चला, आ गया इवन सम आ गया। अब सिमिलर वे में देखो ये नहीं चलेंगे, मतलब हमें सम हमें क्या लाना है। देखो ये कहते से ना, ये क्वेश्चन आपके नंबर सिस्टम का बेसिक फंडामेंटल वाला क्वेश्चन है। आपको देखो आंसर तो हमें पता है कि भाई 18 आएगा, केस 18 आएंगे, ठीक है, 36 है तो 18 केस आएंगे। सर कैसे आएंगे अभी बताता हूँ। एक से लेकर 10 तक में कितने इवन और कितने ओड होते हैं, आपने बोला सर 5 इवन होते हैं और 5 ओड होते हैं, सेम वही तो केस है भाई, 36 नंबर है, 36 ही केस है, केस मत मानो नंबर मान लो कि 36 नंबर है, तो उसमें कितने इवन होंगे और कितने ओड होंगे। तो सिंपल सा आंसर क्या रहा है कि सर हमें पता है सर भाई जितने नंबर होते हैं उसका आधे उसमें इवन होते हैं आधे ओड होते हैं, अगर वो कंसेक्यूटिवली लिखे जाए। ऐसे नहीं कि सर आप 2, 4, 6 लिखोगे कहोगे सर इसमें तो सारे इवन है, अगर कंसेक्यूटिव लिखा जाए लगातार, आई बात समझे, तो सेम वही केस है। तो पहले में कितने केस बने, 3। अब दूसरे में देखो, या तो इवन सम कब आएगा, जब दोनों डाइस पे ओड ओड हो या दोनों पे इवन इवन हो। तो दूसरे केस में एक ये चला, एक ये चला, एक ये चला, फिर तीसरे में देखो ये चलेगा, फिर ये चलेगा, फिर ये चलेगा, फिर इसमें देखो ये चलेगा, ये चलेगा, ये चलेगा, फिर देखो ये चलेगा, ये चलेगा और ये चलेगा, फिर इसमें देखो ये चलेगा और ये चलेगा, तो हो गया 18 केस टोटल। मैंने बोला नहीं था आपको कि कितना, तो आंसर कितना आएगा, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी हमारी, प्रोबेबिलिटी इक्वल टू फेवरेबल, फेवरेबल कितने हैं 18 और टोटल कितने हैं 36, काट देंगे तो कितना आएगा 1/2 और इसी को फर्दर सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 0.5 आंसर आएगा। सिंपल सा है, बताना क्या मुश्किल है, हलवा क्वेश्चन है, हलवा जिसको बोलते हैं ना लड्डू, फ्री के मार्क्स बट रहे हैं, बस आप लेने वाले बनो, ठीक है। कितना सिंपल सा क्वेश्चन है यार, बताओ ए और बी दो पार्ट दिए हुए, 4 नंबर का क्वेश्चन और बेसिक नॉलेज चेक कर रहा है आपकी, कुछ ऐसे रॉकेट साइंस नहीं है, फ्री के 4 मार्क्स है, फिर भी आप लोग गलत कर देते हो, क्यों पढ़ते नहीं हो, जल्दी जल्दी में दिमाग नहीं लगाते हो, जो मन किया कर दिया, आंसर गलत करके बैठ जाते हो, बाहर आके खुश होते हो कि यार मेरा आंसर सही है, फिर बाद में गाली देते हो कि एग्जामिनर ने तो मेरे मार्क्स काट दिए हो। अरे यार पूरा क्वेश्चन पढ़ते नहीं हो, समझते ही नहीं अच्छे से कि हो क्या रहा है, आई बात समझ में, नोट डाउन करो। अब सेकंड देखो, सेकंड भी कॉमन सेंस का है, क्या कह रहा है, इवन प्रोडक्ट, तो टोटल केस तो अपने यही बने रहेंगे है ना, तो इवन प्रोडक्ट, ये देखो ध्यान से ये मिटा देते हैं जल्दी से खटास से, ये गया 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 और ये गया ये गया ये गया ये कर, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब ये भी कायदे से क्वेश्चन है, तो आप कहोगे कि सर ये कैसे क्वेश्चन है, हमें दो नंबर का प्रोडक्ट करके इवन लाना है, तो सिंपल सी बात है भाई, इवन ओड को देखो आपको पता होना चाहिए, इवन प्लस इवन करेंगे वो इवन इंटू इवन करेंगे तो इवन आएगा, और ओड इंटू ओड करेंगे तो ओड आएगा, ठीक है, और इवन इंटू ओड करेंगे तो भी ओडी आएगा। देखो ध्यान से, हमें क्या था ना इवन प्रोडक्ट, तो इसमें से तो कोई केस नहीं चलेगा ना, क्यों, देखो भाई मल्टीप्लाई करके देख लो, यहां पे क्या आएगा 1, यहां पे ये केस चलेगा, ये चल जाएगा 2, ये केस चलेगा नहीं चलेगा, ये केस ये चल जाएगा ये केस, तो देखो ध्यान से, तो पहले वाले में से तो ये केस चला, अब दूसरे में देखना, दूसरे में से सारे केस चलेंगे भाई, 2 की किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो तो अल्टीमेट आंसर कितना आएगा, प्रोडक्ट कितना भाई, इवन नंबर की किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो आंसर इवन ही आता है, सेम ओड की किसी भी ओड से मल्टीप्लाई करो तो ओडी आएगा, लेकिन ओड की इवन से करोगे तो इवन आएगा, जैसे यहां देखो आया समझ में, तो यहां से टोटल केस ये सारे के सारे केस चलेंगे 6। अब यहां से देखो फिर यहां से कितने केस मिलेंगे, 3 ही मिलेंगे। अब यहां देखो यहां पे फिर 6 केस मिलेंगे, फिर यहां पे 3 केस मिलेंगे,
और फिर यहां पे छह केस मिलेंगे। पैटर्न देख रहे हो, पैटर्न देखो ध्यान से, पैटर्न नहीं समझ में आया, तीन छे तीन छे तीन छे देख रहे हो पैटर्न। एग्जामिनर ने क्या बढ़िया तरीके से आपके लिए क्वेश्चन डिजाइन किया है। तो अल्टीमेट सारे केस कितने हो गए, नौ 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 अठारह नौ तेरह सत्ताईस। तो फेवरेबल केस कितने हुए हमारे पास, फेवरेबल केस कितने हुए, फेवरेबल 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 केस कितना आएगा 27। ये समझ में आया कि नहीं, क्लियर है अच्छे से। तो अब प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी इक्वल टू फेवरेबल केस 27 अपॉन टोटल केस 36। तो ये काट लेंगे तो 9 × 27 9 × 36 मतलब 0.75 आंसर। आई बात समझ में, क्लियर है अच्छे से समझ में आया, नोट डाउन करो। चार नंबर का हलवा क्वेश्चन था, बहुत ही मतलब बहुत आसान क्वेश्चन, बहुत सिंपल, बस ये है कि एकदम से इस तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं होती तो एग्जाम में आता है तो हम सोच नहीं पाते, हबड़ तबड़ करते हैं। अब आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, मेरा प्रॉमिस है। अगर आपने वीडियो देख ली पूरी अच्छे से, एक पॉइंट समझ लिया, तो आपका आंसर गलत हो नहीं सकता। ठीक है, नोट डाउन करो अच्छे से। मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत अच्छे दमदार क्वेश्चनों के साथ। और कमेंट सेक्शन में बताओ आपको क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं, प्लीज जरूर बताया करो। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर करो। मिलते हैं अगली वीडियो में एक बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ। बाय बाय दोस्तों, खुश रहो, स्वस्थ रहो और तैयारी करते रहो।